हेलो फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है बॉम्ब कैलोरीमीटर फॉर जीसीवी ऑफ ब्रिगेड्स, मतलब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे काम करता है, और ये भी देखेंगे कि इस बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा ब्रिगेड की जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, जो आपके सामने है। तो इस डायग्राम की मदद से डिटेल में समझेंगे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसे वर्क करता है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके द्वारा ब्रिगेड का जो जीसीवी होता है, ठीक है, यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, उसको कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, इस ड्राइंग की मदद से हम लोग डिटेल में समझेंगे। डायग्राम के अंदर आपको तीन कंटेनर दिख रहा है, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, ठीक है। इसमें पहला जो कंटेनर हमारा है, ठीक है, वो है इंसुलेटिंग जैकेट, ठीक है। दूसरा जो कंटेनर है हमारा, वो क्या बोलते हैं उसको, बकेट बोलते हैं, ठीक। जो तीसरा होता है हमारा कंटेनर, जहाँ पे हम लोग ब्रिगेड का सैंपल डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टील बॉम्ब, ठीक है। दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोस्तों, ये जो तीसरा जैकेट है हमारा, ठीक है, तीसरा कंटेनर है, इसके नाम से पता चल रहा है इंसुलेटिंग जैकेट, ठीक है। मतलब क्या है, ये इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर फिर कोई हीट बाहर जाएगी ना, कोई एयर अंदर जाएगी, ठीक है। मतलब जो हमारे अंदर का प्रोसेस होगा, ठीक है, उसको बाहर ट्रांसफर नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होता है, बीच में गैप रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एयर स्पेस, आप देख रहे हो। बीच वाले कंटेनर जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं बकेट, ठीक है। और बकेट के अंदर सिंपली जो होता है हमारा, क्या होता है, पानी भरा होता है, ठीक। और ये जो हमारा लास्ट वाला है, ये जो लास्ट वाला कंटेनर है, ये आप देख रहे हो डायग्राम में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टील बॉम्ब, ठीक है, जिसको, ठीक है, इसी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, ब्रिगेड का सैंपल का कंबशन करवाते हैं। ये देखो, ये ब्रिगेड का सैंपल है, इसी को हम लोग कंबशन करवाते हैं, तभी हीट रिलीज होती है, ठीक है। उसको कैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैसे मेजर करेंगे वो मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। अभी ये जो स्टील बॉम्ब है जो आप देख रहे हो, ये हमारा स्टील बॉम्ब है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, क्रूसिबल होता है, ठीक है, क्रूसिबल होता है और नाइक्रोम की वायर होती है, ठीक। दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ब्रिगेड का सैंपल डालते हैं, ठीक, और इसको हम लोग जो हम लोग बंद करते हैं, इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे नाइक्रोम वायर, उसे क्या करता है, स्पार्क इग्निशन होता है, ठीक है, स्पार्क इग्निशन वायर लगी होती है यहाँ पे, ठीक है। वो अब यहाँ पे एक स्टायरल लगा होता है, ये क्या करता है, पानी को घुमाता है, ठीक। जैसे हम चालू करेंगे, ठीक है, ये वाटर को सर्कुलेट करता रहता है हल्के हल्के, ठीक है, और वाटर का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रखता है स्टायरल। थर्मामीटर भी लगा होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऑक्सीजन सप्लाई काम क्या होता है, ये भी ड्यूरिंग कंबशन हम लोग ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रिगेड का सैंपल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है, यहाँ पे दो वायर लगी होती है जिसको बोलते हैं इग्निशन वायर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग कम्बशन, ठीक है। अब ये क्या देखते हैं, अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो हमारा सैंपल होता है ब्रिगेड का उसको 1 ग्राम लेना पड़ता है, ठीक है। 1 ग्राम सैंपल प्लस वायर जो लेते हैं हम लोग नाइक्रोम वायर की 0.25 mm, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन देते हैं। कितना ऑक्सीजन देते हैं हम लोग, ऑक्सीजन देते हैं 30-40 PSI, ठीक है, ये दे दिया। और फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टील बॉम्ब के अंदर क्या करते हैं, कम्बशन करवाते हैं, ठीक। फिर इसको सप्लाई मिलते हैं, क्या होता है, जो हमारा नाइक्रोम वायर होता है ये पूरी तरह से जल जाता है, ठीक है, और ब्रिगेड सैंपल का कम्बशन होने लगता है। ड्यूरिंग कम्बशन क्या होता है, ये जो हमारा अंदर का पोर्शन है ये काफ़ी गर्म हो जाता है, और फिर ये क्या होता है, ये काफ़ी गर्म हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फिर ये क्या होता है, ये धीरे धीरे ये जो बाहर निकलने के रिलीज करता है अपना, तो ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है। फिर जब पानी से कॉन्टैक्ट में आता है तो पानी हल्का हल्का गर्म होने लगता है, ठीक है। सपोज करिए इनिशियली जो टेम्परेचर है वाटर का T1 इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर ये जो पानी स्टायरर होता है ये पानी को घुमाता रहता है, जब ये पानी को घुमाता रहता है तो उसका टेम्परेचर जो T2 हो गया फाइनल, सपोज करो 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। मतलब जो हमारा डेल्टा टी मिला है वो कितने का मिला है, 3 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसमें क्या देखते हैं, जो हमारा इसमें GCV होती है, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है GCV वाटर इक्विवेलेंट इनटू क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा टी डिवाइड बाई सैंपल सैंपल वेट, ये फार्मूला होता है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।